हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी क्लास 11 के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चनों पर आधारित। और आज का सेशन हम लोग के सामने में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का सेशन में हम लोग फंक्शन और फंक्शन के बारे में सीखेंगे और ये फंक्शन और फंक्शन होता क्या है, कैसे इसको पहचाना जा सकता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग के सामने आज का सेशन का यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन को सीखने का टाइम आ चुका है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे ये फंक्शन और फंक्शन होता है क्या। ठीक है, देखिए जनरली फंक्शन और फंक्शन ज्यादा कुछ भी चीज नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ फंक्शन और फंक्शन। सबसे पहले यहाँ पे क्या चला जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। सेकंड क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन। थर्ड क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। फोर्थ क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और फिफ्थ क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन। तो ये सब तो नाम हम लोग जान लिए, लेकिन पहचानेंगे कैसे इन लोगों। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में ज्यादा कुछ भी करना नहीं है। यहाँ पे जितना दूर हम लोग आज तक स्टडी किए हैं, ट्रिगोनोमेट्री मतलब साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक और कॉट। तो ये सब सभी क्या में चला जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में चला जाएगा। और अलजेब्रिक में फंक्शन क्या जाएगा, जैसे कि एक्स वाई जेड ए से लेकर जेड तक जितना भी आता है सब, और कांस्टेंट टर्म के साथ में सभी सब क्या होगा, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि फोर एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, सेवन एक्स स्क्वायर, है ना, सेवन जेड, ये सब जितना भी, ये सब क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन होगा। जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, जैसे कि मान लिया जाए एक हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस, और ये रहेगा 10x। ठीक है, ये 10x नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, 10 होगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सभी ये सब हो जाता है हम लोग के सामने में अलजेब्रिक फंक्शन। समझ में, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक से नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये लॉग लगा रहेगा तो ये लॉगरिथमिक में चलाएगा। ठीक है, सिंपल सा बात करेंगे हम लोग, लॉग लगा रहेगा तो लॉगरिथमिक में चला जाएगा। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल भी पहचाने का सिंपल सा तरीका स्मॉल ई रहेगा, देख रहे हैं ना, स्मॉल ई, स्मॉल ई यहाँ पे है ना, और इसके ऊपर में कुछ भी रहेगा। ठीक है, इसका पूरा का पूरा जो सेपरेट होता है ये होता है स्मॉल ई के ऊपर में होता है ये एक्स, तो इसको बोलते हैं स्मॉल ई एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल। आई बात समझ में, तो ये लेकिन इस एक्स के जगह पे कुछ भी हो सकता है। देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स है, लॉग एक्स है, यहाँ पे फोर एक्स स्क्वायर है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहचानने का तरीका यही है, स्मॉल ई यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ठीक है ना, तो ये सब सभी क्या में चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये चला जाएगा। ठीक है, चलिए इनवर्स में आ जाते हैं। तो इनवर्स में ज्यादा कुछ भी नहीं है, इनवर्स में ज्यादा कुछ भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे था साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, साइन इनवर्स है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो माइनस यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। लेकिन इसको माइनस वन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इनवर्स। तो इनवर्स में चला जाएगा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, से लेकर कहां तक चला जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स तक चला जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन और फंक्शन समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स। अलजेब्रिक में फंक्शन में क्या होगा, जितना भी एक्स वाई जेड, ठीक है, कॉन्स्टेंट ऑफ जितना भी जुड़ा हुआ है सभी अलजेब्रिक में चला जाएगा। लॉगरिथमिक में क्या जाएगा, लॉग लगा रहेगा। एक्सपोनेंशियल में क्या जाएगा, स्मॉल ई लगा रहेगा। और इनवर्स में क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स, ये देख रहे हैं माइनस वन, तो ये चला जाता है इनवर्स में चला जाएगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत यहां तक ना, चलिए आगे क्यों हम लोग चलते हैं। देखिए हम लोग के सामने में आप क्या करना होगा कि डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि सेवन पार्ट तक हम लोग जो है वहां पे डिफरेंशिएशन को सीख चुके हैं। ठीक है, सेवेंथ वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ फंक्शन और फंक्शन पर डिफरेंशिएट करेंगे। बोलने का मतलब क्या हो गया कि इससे पहले जितना भी हम लोग डिफरेंशिएट किए थे सभी वहां पे सिर्फ सिंगल फंक्शन होता था, या तो अलजेब्रिक फंक्शन होता था, या तो ट्रिग्नोमेट्री होता था, या तो आपका लॉग में चला जाता था। लेकिन अभी क्या होगा कि सभी फंक्शन एक साथ आएगा। ठीक है, अभी तक क्या होगा कि अब क्या होगा कि सभी फंक्शन एक साथ आएगा। हो सकता है कि लॉग के साथ में एक्सपोनेंशियल आ जाए, हो सकता है कि एक्सपोनेंशियल के साथ में लॉग आ जाए, हो सकता है कि अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक साथ में आ जाए। तो अभी सभी फंक्शन और फंक्शन जो है एक साथ में आएगा। चलिए यहाँ पे क्या करना होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम लोग वाई। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ओके ना, डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो वाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, वाई का डिफरेंस होगा डी वाई, और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो नीचे चला जाएगा, वो हो जाएगा डी एक्स। आई बात समझ में आता है। चलिए अब फंक्शन और फंक्शन में क्या होता है कि जो सबसे पहले दिखेगा उसी को डिफरेंशिएट करना है। ये देखिए यहाँ पे रूट और ये क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन दिख रहा है, रूट दिख रहा है ना, और बाद बाकी जितना भी रहेगा वो किस में चला जाएगा, इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे क्या होता है, ये रूट, उसके बाद रूट, और इसको टोटल को हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। है तो ये 2x-3, लेकिन इसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, टोटल को एक्स मानेंगे। आई बस में, तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे किसको डिफरेंशिएट करेंगे, रूट एक्स को करेंगे। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, पहले ही हम लोग जान चुके हैं, रूट एक्स का होता है डिफरेंशिएट हाफ रूट एक्स। तो इस एक्स के जगह पे कौन होगा, जो यहाँ पे है इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक्स। आई बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब किसका डिफरेंशिएट करना होगा, एक्स स्क्वायर का। सबसे पहले हम लोग किए रूट का किए, उसके बाद क्या होगा एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है रूट एक्स का कैसे, ये टू हाफ रूट एक्स होता है, तो यहाँ पे हम हल्का सा यहाँ पे डिटेल्स में कर देते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए ये होता है आपका रूट एक्स, आई बात समझ में। तो इसको हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिएगा ये चला जाएगा 1/2, ये पावर में चला गया, रूट को थोड़े ऊपर चला गया 1/2। अब इसको डिफरेंशिएट किए तो ये होगा डी वाई, ठीक है, और ये होगा डी एक्स। अब देखिए ये किस में जा रहा है, एक्स एन में जा रहा है ना, तो एन एन इंटू एक्स का पावर n-1। तो देखिए ये कितना होगा हाफ इंटू, ये कितना हो जाएगा एक्स का पावर माइनस हाफ, होगा ना, हाफ में 1 माइनस के दो माइनस हाफ होगा ना। तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा, वन ये तो हाफ, और ये होगा एक्स का पावर 1/2, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या होता है, वन ये हो गया हाफ, और ये क्या होगा, जब यहां से रूट को जब पावर में लेके तो हाफ हुआ था, तो इसको हाफ है तो इसको फिर से हम लोग रूट में ला सकते हैं ना, तो रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, हाफ रूट एक्स। आई बात समझे, यहां तो कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे इस एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिखे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब पहले तो रूट एक्स का डिफरेंशिएट किया, अब किसका होगा एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर क्या क्या होगा, ये होगा 2x, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो यहां से 2 से ये क्या कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के सामने में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का हो जाता है, ठीक है। ऐसे तो देखिए रूट और ये स्क्वायर ये भी कटेगा, एक्स एक्स भी कटेगा, फाइनली आंसर जो हम लोग के सामने वो क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या निकल के आएगा 1, ठीक है, ये होगा। लेकिन हम लोग आंसर इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, देखिएगा कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू रूट ये होगा 2x-3, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, ये y का डिफरेंशिएट होगा dy, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे क्या हो गया dx हो गया। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे कौन दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पे कौन दिख रहा है, रूट दिख रहा है ना, तो रूट और ये बाकी बात को ये क्या होगा, ये हो जाएगा x, यानी 2x-3 को हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे, सिंपल x मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, ये हो जाता है हाफ, और ये हो जाएगा यहाँ से रूट एक्स एक्स, तो एक्स के जगह पे 2x-3, यहाँ पे दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे रूट का जब डिफरेंशिएट कर लिए तो अब कौन दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है हमको ये, अब किसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसका यानी कि 2x का। सिंपल सा बात देखिए, तो जब ये 2x को जब डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो ये होगा 2 तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और इस x का हो जाएगा 1, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा, ये होगा 3 का, ये कॉन्स्टेंट है ना, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 0, ठीक है। और ये सब कैसे आता है,
इसको आपको जानने के लिए पिछले वाले वीडियो को देखना होगा, क्योंकि वहां पे बहुत ही डिटेल्स में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग के सामने में dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हाफ रूट कितना होगा, 2x-3 इंटू यहाँ पे कितना होगा, 2 1 2 -0 कितना होगा, यहाँ से 2, तो 2 2 कट जाएगा यहाँ से, तो फाइनली आंसर हम लोग के सामने कितना आएगा, हाफ देखिए 1 हाफ यहाँ से 2 2 कट गया ना, चलिए तो ये हो जाएगा 1/√2x-3, ठीक है, ये हम लोग का फाइनली आंसर हो जाता है, ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, y इक्वल टू हम लोग यहाँ पे ले लेंगे √4x²-3। चलिए अब यहां से देखिएगा कि डिफरेंशिएट करना है हम लोगों ना, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएट dy किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dx, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे पहले कौन दिखाई दे रहा है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है रूट, और इसको टोटल को हम लोग क्या मानेंगे, मान लेते हैं एक्स, रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सा बात है, हाफ और ये रूट एक्स, तो इस एक्स के जगह पे कौन है, यहाँ पे हो जाएगा 4x²-3, कोई दिक्कत नहीं ना। अब रूट का हो गया यहां से, अब उसके बाद किसको डिफरेंशिएट करना है, 4x²-3, लेकिन 4x²-3 को सबसे पहले यहां पे डिफरेंशिएट करना है, तो चलिए रूट का कर लिए, अब आइए 4x²-3 को, तो जब 4x²-3 को जब डिफरेंशिएट करने के लिए चाहिएगा, तो यहां पर तो 4 तो कांस्टेंट होगा, ये 4 कांस्टेंट होगा ना, अब यहां पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है, ये होता है 2x, आई बात समझ में, और ये माइनस, ठीक है, और ये क्या है, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। अब बोलेगा सर कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कैसे होगा 2x, तो उसके लिए आपको पहले वाले वीडियो सबको देखना पड़ेगा, 7 वीडियो अभी तक हम लोग अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। चलिए फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा हम क्लियर करने का कोशिश करते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे, तो xn में जा रहा है ना ये, तो इसको चलिए डिफरेंशिएट किए dy बाई dx, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, किस में जा रहा है ये, xn में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n-1, तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, 2x हो गया, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है, यहाँ पे 2x होता है, तो वही चीज हम यहाँ पे 2x लिखे, आई बात समझ में, माइनस, और ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट होता है ये 0। अब बोले कांस्टेंट किसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, इसके साथ में कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, और ठीक है, कुछ भी मतलब यहाँ पे ये वेरिएबल्स नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, देखिए यहाँ पे है एक्स है ना, यहाँ पे एक्स नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंट हो गया, आई बात समझ में। चलिए अब यहां से क्या होता है, 4 2 8 यानी कि 8x/2, यहाँ कितना होगा, ये हो जाता है नीचे में 2 4x²-3, ठीक है, तो इसको काटिए, तो 2 2 4, ठीक है, यहां से कितना निकल जाएगा हम लोग सामने में, ये निकल के आता है 4x/2, ये आ जाएगा √, ठीक है, 4x²-3, ठीक है भैया। तो चलिए अब हम लोग का फाइनली आंसर यहाँ पे हम लोग का ये 4x, ठीक है, हो जाता है, ठीक है, फाइनली आंसर हम लोग कितना हो जाएगा, 4x/√4x²-3, ये हम लोग का फाइनली आंसर हो गया, ओके। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे क्या है, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, y इक्वल टू यहाँ से √4-x, हो गया यहाँ तक। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक, देखिए सिंपल सा बात है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ओके okay? तो y का डिफरेंशिएट क्या होगा, y का डिफरेंशिएट होगा dy, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो नीचे चला जाएगा, वो होगा dx, ठीक है। चलिए अब सबसे पहला बात यहाँ पे क्या है, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है, सबसे पहला बात है यहाँ पे रूट एक्स, ये टोटली को हम लोग क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे x,
ठीक है। तो रूट का डिफरेंशिएट अभी हम करके दिखाए थे, ये हो जाता है हाफ और ये हो जाएगा रूट एक्स। तो एक्स का जगह आपको कितना होगा, फोर माइनस एक्स, ठीक है। चलिए अब रूट एक्स का डिफरेंशिएट हो गया, अब करेंगे हम लोग इसको फोर माइनस एक्स को। तो फोर तो कॉन्स्टेंट है, तो फोर है कॉन्स्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएट जीरो माइनस, और ये है एक्स है। तो एक्स को एक्स का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने में कितना आता है, वन आता है। अगर ये नहीं जानते हैं तो पहले वाले वीडियो सब कब लोग देखिए, ठीक है। चलिए तो यहां पे हम लोग का फाइनली आंसर जो निकल के आ जाएगा वो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाई, ठीक है। यहां से हो जाएगा ये जस का तस नीचे को इसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग का फाइनली आंसर आ जाता है, हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, ठीक है। चलिए अब यहां पर भी हम लोग देखिए अलग अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, फंक्शन और फंक्शन में ज्यादा से ज्यादा हम लोग के सामने में जा रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है सभी, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे टोटली अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहला बात हम लोग क्या ले लेंगे, वाई ले लेंगे। तो वाई का तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सेवन का होल पावर सेवन, ठीक है। एक बात को समझिएगा, यहाँ पे कौन सा बात समझने वाली बात है, ये चला जा रहा है एक्स एन में सबसे पहले। देखिए लो फंक्शन और फंक्शन में क्या करना होगा, जो सबसे पहले जो नजर आएगा, सबसे पहले जो है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये किस में जा रहा है, एक्स एन में। तो सबसे पहला पावर का डिफरेंशिएट होता है, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएट, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलिए तो यहां पे क्या होगा, वाई का डिफरेंशिएट डी वाई, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो नीचे में क्या चला जाएगा, डी एक्स चला जाएगा, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, और ये जा रहा है एक्स एन में, ठीक है। तो ये क्या होगा, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, अभी पावर का डिफरेंशिएट किए, अब उसके बाद किसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसको एक्स प्लस सेवन को, ठीक है। चलिए तो यहां से क्या होगा, सबसे पहला बात किसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको करेंगे एक्स को। तो एक्स को एक्स का रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, वन, ठीक है। और सेवन पे कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा जीरो। आई बात समझ में? चलिए तो यहां से फाइनली आंसर कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा सेवन इंटू एक्स प्लस सेवन का होल पावर कितना हो जाएगा, सिक्स, और इंटू कितना हो जाएगा, वन। तो फाइनली जो हम लोग के सामने में आंसर निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये सेवन इंटू एक्स प्लस सेवन का होल पावर सिक्स, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए सॉरी, चलिए यहां पे अब हम लोग आते हैं वाई, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन बाई एक्स प्लस सेवन का होल पावर सेवन। तो इसको पहले हम लोग ऊपर लेके चलेंगे ना, तो ऊपर जैसे ही हम लोग इसको लेके चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस सेवन का होल पावर कितना हो जाएगा, माइनस सेवन। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि जब नीचे से ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। ये साइन चेंज हो जाता है पावर में, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो वाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, वाई का डिफरेंशिएट डी वाई, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले यहां पे कौन दिखाई दे रहा है, पावर। तो पावर का डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये किस में जा रहा है, एक्स एन में जा रहा है ना, एक्स एन में जा रहा है ना, ये किस में जा रहा है, एक्स एन में जा रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या होगा, एन इंटू एक्स एक्स का पावर एन माइनस वन। फॉर्मूला तो यही होता है ना, अगर नहीं जानते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो सबको जाके देखिए, क्योंकि वहां पे एक्स एन का टोटली पूरा डिटेल्स में सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसका, तो पावर का डिफरेंशिएट हो गया, अब आएंगे हम लोग एक्स प्लस सेवन का डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए इसका हो जाएगा वन, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में वन होता है,
आई बात समझ में? और ये 7 है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0, आई बात समझ में आ रहा है? चलिए तो ये हम लोग का फाइनली कितना आ जाएगा, -7, ठीक है। यहां से x प्लस 7 का होल पावर कितना आ जाएगा, -8, ओके इनटू 1। अगर इसको पावर को नीचे लाना चाहेंगे तो हम लोग का जो फाइनली आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहां से कितना होगा, -7 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 7 का होल पावर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का फाइनल आंसर निकल के आ जाता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, देखिए अब धीरे धीरे लेवल जो है हम लोग का हाई होता जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। आई बात समझ में आता है, कोई दिक्कत? डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग को, डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो वाई का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, वाई का डिफ्रेंशिएट डी वाई, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे कौन दिख रहा है, रूट दिख रहा है ना, और टोटली को हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, रूट एक्स। तो रूट का डिफरेंशिएट, रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, हाफ हाफ, ठीक है, और ये हाफ रूट एक्स, ठीक है। तो इस एक्स के जगह पे कितना हो जाएगा, टोटली यहां पे लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और ये कॉन्स्टेंट, ठीक है। चलिए अब जब रूट का डिफरेंशिएट कर लिए तो अब कौन बाकी है यहाँ पे, ये देखिए ये पूरा सिस्टम बाकी है, ए एक्स प्लस बी एक्स और ये कॉन्स्टेंट, हम ये टोटल का डिफरेंशिएट एक साथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे ना, लेकिन ये स्मॉल है, क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसको कॉन्स्टेंट रख दिए, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट तो मालूम आप लोग को क्या होता है, ये 2x हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा b, यहां से कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और x का तो 1 हो जाएगा क्योंकि x का ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे, और ये होता है कांस्टेंट टर्म का हो जाएगा 0, ठीक है। क्यों कांस्टेंट टर्म हो रहा है, क्योंकि इसके साथ में कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, कोई भी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स है तो यहाँ पे नहीं ना इसके साथ में जुड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अचर संख्या है, अचर, ठीक है। चलिए अब यहां से हम लोग फाइनली क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, ये देखिए ठीक से लिखते हैं ना, इसको सुटेबल करके लिखेंगे, ये हो जाएगा 2ax प्लस बी, ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है। चलिए ये फाइनली आंसर हम लोग का dy बाई dx ये निकल के आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। देखिए अभी तक यहाँ पे रूट एक्स था, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, क्यूब रूट एक्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पावर में लेके चलेंगे, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x³ माइनस 4x का होल पावर कितना हो जाएगा, 1/3, क्योंकि यहाँ पे जितना भी रहेगा वो पावर में चला जाता है, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो इसे पहले वाले वीडियो सबको देखिए, 7 पार्ट तक अपलोड किया जा चुका है और वहां पे टोटली डिटेल्स में ये सब के बारे में बात किया गया है, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। वाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, वाई का डिफरेंशिएट डी वाई, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा डी एक्स, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे किसका डिफरेंशिएट होता है, पावर का, एक्स एन का, तो डिफरेंशिएट कीजिए, तो एक्स एन का डिफरेंशिएट एन इंटू एक्स एक्स का पावर एन माइनस 1, ठीक है, ये पावर का हो गया। जब पावर का हो गया अब कौन बच गया, 4x³ माइनस 4x, तो 4 तो कांस्टेंट हो जाएगा यहां से, ठीक है, और एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, ये फिर से जा रहा है xn में, तो कितना हो जाएगा, n x का पावर n माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1 माइनस, ठीक है, 4x का, 4 तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए
तो फाइनली जो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन निकल के आएगा कितना आ जाएगा, ये फाइनली सॉल्यूशन 1/3 यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का कितना 4x³ - यहाँ से 4x, ठीक है। और ये देखिए इसको जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस कितना ये 2/3, ठीक है। और यहां से कितना आ जाएगा 4 × 12, ठीक है, ये होगा 12x² और ये -4, ठीक है यहां तक। चलिए अब इसको अगर नीचे लाना चाहेंगे तो हम लोग का फाइनली जो आंसर निकल के आ जाएगा dy/dx कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। और ये कितना होगा 4x³ - 4x, और इसका पावर कितना चला जाएगा 2/3, ठीक है। और ये हम लोग का ऊपर में ही रहेगा ना, ठीक है, ये हम लोग का ऊपर में ही रहेगा ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये होगा 12x² - 4, ठीक है, ये हम लोग का फाइनली आंसर जाएगा। या तो कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ अच्छा चीज सीखे होंगे, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और इसी तरीके का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए नमस्कार।